नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट द टाइम टेकन बाय द बस टू रीच. हमें टाइम फाइंड आउट करना है कि बस सबसे पहले ए टू बी तक पहुंचने में कितना समय लेती है. और हमें क्या दिया गया है, स्पीड दी गई है, डिस्टेंस दी गई है एंड टाइम हमें निकालना है. तो आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम. जबकि अभी हमें स्पीड तो दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, अभी निकालना क्या है टाइम. तो टाइम को हम यहाँ पे ले आएंगे और स्पीड नीचे चली जाएगी. तो टाइम का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल डिस्टेंस को हम किससे डिवाइड कर देंगे, स्पीड से. तो हमें टाइम मिल जाएगा. तो सबसे पहले हमें किसका निकालना है, ए टू बी. तो ए टू बी तक की पहले डिस्टेंस क्या है, ए टू बी तक की डिस्टेंस है 4170. तो हम डिस्टेंस की जगह क्या लिख देंगे, 4170. एंड स्पीड आपको पता है 60 किलोमीटर पर आवर. तो टाइम निकालने के लिए 4170 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से. तो हमें क्या मिल जाएगा, टाइम कि ए से लेके बी तक पहुंचने में बस ने कितना टाइम लिया. देन 4170 डिवाइडेड बाय 60. अब आपको पता है 60 ग्रेटर नंबर है, दो नंबर 41 से बड़ा है. तो हमें तीनों नंबर एक साथ लेकर के इसे डिवाइड करना होगा. देन कितनी बार जाएगा, 6 6 36. उसके आगे हम ये जीरो लगा देंगे तो 360 हो जाएगा. 6 7 जाए तो 42 होता है, उससे बड़ा हो जाएगा. तो कितनी बार जाएगा, 6 टाइम जाएगा. देन 7 माइनस 0 7, 11 माइनस 6 5 एंड 3 माइनस 3 0. ऊपर से हमने क्या लिया, 0. देन 570 में कितनी बार जाएगा, 6 6 9 50 4. आगे क्या लग जाएगा, 0. देन 0 माइनस 0 0, 7 माइनस 4 3 एंड 5 माइनस 5 0. अब ये 30 रिमाइंडर रहा, ये 60 से कम है, ऊपर कोई नंबर नहीं रहा है. तो यहाँ पे जब टाइमिंग वाली क्वेश्चन में रिमाइंडर रहता है तो उस रिमाइंडर को हम किस में डाल देते हैं, मिनट्स में. तो क्या आएगा आंसर, 69 आवर्स एंड 30 मिनट. इट्स मीन ए टू बी तक जर्नी के लिए बस ने कितना समय लिया, 69 आवर्स 30 मिनट. ओके, नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, सी टू डी. तो पहले हम देखेंगे सी टू डी तक की डिस्टेंस क्या है, 2160 किलोमीटर. तो हम टाइम निकालने के लिए 2160 किलोमीटर को स्पीड से डिवाइड करेंगे. स्पीड क्या है, 60. तो 2160 को हम किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से. 60 6 3 18. तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम. आगे क्या लग जाएगी, 0. 6 माइनस 0 6, 11 माइनस 8 3, 1 माइनस 1 0. ऊपर से हमने क्या लिया, 0 6 6 36. कुछ रिमाइंडर नहीं रहा. देन सिर्फ हमारा क्या रहेगा, 36 आवर्स. इट्स मीन सी टू डी तक पहुंचने में बस ने कितना समय लिया, 36 आवर्स. नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या पूछा गया है, ई टू जी. अब ई टू जी, ई से लेके जी तक. तो पहले हमें ई टू एफ एंड एफ टू जी, इन दोनों डिस्टेंस को हम पहले क्या करेंगे, प्लस करेंगे. देन 4830 किलोमीटर में हम प्लस क्या करेंगे, 2550 किलोमीटर. 0 प्लस 0 5 प्लus 3 8 8 प्लस 5 13 13 का 3 कैरी गई 1, 4 प्लस 1 5 5 प्लस 2 7. इसमें कितना आया, 7380 किलोमीटर. तो हम टाइम निकालने के लिए 7000, जो कि ई से लेके जी तक का डिस्टेंस है, 7380 किलोमीटर को किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से. 7380, 73 में 60 की टेबल जाएगी, 61 जा 60. माइनस करने पे क्या रहेगा, 13. ऊपर से हम क्या लेंगे, 8. इसमें कितने टाइम जाएगी, 6 2 जा 12. आगे क्या लग जाएगा, 0. देन 8 माइनस 0 8, 3 माइनस 2 1 1 माइनस 1 0. ऊपर से हमने क्या लिया, 0. 6 3 जा 18. देन 3 लिखा हमने और ये 0 आगे लग जाएगी, 180 माइनस 180. देन हमारा क्या आंसर आया, 123 आवर्स. इस बीच ई से लेकर के जी तक पहुंचने में बस ने कितना समय लिया, 123 आवर्स. अब नेक्स्ट क्या है, टोटल जर्नी. ए से लेकर के बस वापस
ई तक पहुंचने में कितना समय ले रही है। तो हमने हमारे लास्ट क्वेश्चन में निकाला था कि ए से लेकर के वापस ए तक की टोटल डिस्टेंस क्या है, 26,550 किलोमीटर। तो इसका टाइम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम 26,550 किलोमीटर को डिवाइड कर देंगे स्पीड से, जो कि हमारी कितनी है 60। देन 26,550 डिवाइडेड बाय 60 26 में जाएगी नहीं, तो हमें तीनों नंबर लेने होंगे। कितने टाइम्स जाएगी, 6 4 6 4 24। आगे क्या लगा देंगे, 0, देन 5 माइनस 0 5, 6 माइनस 4 2 2 माइनस 2 0। अब हम ऊपर से क्या लेंगे, 5, देन अगेन 6 4 24, देन 24 5 माइनस 0 5 5 माइनस 4 1 2 माइनस 2 0। अब हम क्या लेंगे, अगेन 0 ऊपर से, कितनी बच जाएगी, 6 2 12, देन 120, अब कितना रिमाइंडर रहा, 30 60 से कम है, तो ये क्या रह जाएगा, मिनट्स में। देन हमारा आंसर क्या आएगा, 442 आवर्स एंड 30 मिनट्स। तो टोटल जर्नी के लिए ए से लेकर के ई तक बस को कवर करने में कितना समय लगा, 442 आवर्स एंड 30 मिनट।